चैनल कैसे हैं आप सब उम्मीद है सब ठीक हैं खुश हैं मैं भी ठीक और आपकी खिदमत पर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ एक नई मज़ेदार सी रेसिपी लेकर जी तो आज किचन में क्या बन रहा है कौन सी रेसिपी आज अपनी मैं प्यारी सी फैमिली को सिखा रही हूँ बनाकर आज मैं बना रही हूँ बांग्लादेशी चिकन करी तो जल्दी से चलते हैं बनाना शुरू करते हैं लेकिन किचन में जाने से पहले जैसे मैं हर दफ़ा आपसे कहती हूँ कि अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया तो और बेल आइकन भी दबा दिया करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ ब्लॉग्स मेरी रेसिपीज़ आपको टाइम पर मिल सके और अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें शेयर करें और कमेंट करना ना भूले तो चले मेरे साथ बनाते हैं बांग्लादेशी जी तो मैं आ चुकी हूँ किचन में और बनाते हैं आज की मजेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं जी यहाँ पर देखें कढ़ाई के अंदर मैंने डाला है ऑयल इसके अंदर डालेंगे नमक एक चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है साथ इसमें जो है आधा चम्मच इसमें मैं ऐड करूँगी हल्दी और आलू मैंने पहले से दो अध बड़े साइज़ के काट के रखे हुए थे क्यूब्स में ज़्यादा छोटे नहीं काटने थोड़े बड़े ही साइज़ के काटने हैं जी तो इसके अंदर इसको मिक्स करेंगे हल्दी और नमक को ऑयल के अंदर और फिर इसके अंदर हम लोग डाल देंगे आलू जो पहले से काटे हुए थे बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है बहुत ही इजी से तरीके से बनती है आप लोग ज़रूर देखिएगा और बांग्लादेश से अगर कोई हमारे चैनल को मेरी इस रेसिपी को देख रहा है तो मेरी तरफ से उनको सलाम और बहुत ज़्यादा प्यार ठीक है जी और यहाँ पर देखें इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो इससे जो है आलूओं में कलर सा भी आ जाएगा अच्छा जी इसको इस तरह से बस आपने करना है दो मिनट इस तरह से पकाने के बाद फ्राई करने के बाद इसको निकाल लेंगे ज़्यादा फ्राई नहीं करना बस हल्का सा इसको फ्राई करना है और इसको बस निकाल लेंगे इस तरह से ठीक है जी अब बड़े स्लाइस के दो आपने काटने हैं प्याज को निकालने के बाद इसी ऑयल के अंदर हम लोग ऐड करेंगे गरम मसाला साबुत जिसके अंदर कड़ी पत्ता दार चीनी काली मिर्च ग्रीन इलायची मोटी इलायची और साथ इसमें होती है लौंग ये सारा डालने के बाद इसमें जायफल जबरी सारा गरम मसाला जो होता है वो ऐड करने के बाद इसको आपने हल्का सा ऑयल के अंदर पका लेना है इससे आप देखिएगा कि चिकन की जो खुशबू है वो इतनी मज़े की हो जाएगी ठीक है जी इसको डालने के बाद इसको थोड़ा सा इसके ऑयल के अंदर पकाने के बाद आंच को आपने मीडियम पर ही रखना है ज़्यादा तेज़ नहीं करना इसके अंदर आप देख सकते हैं दो बड़े साइज के स्लाइस किए हुए मैंने ऐड कर दिए अनियंस और इसको भी आपने इसी ऑयल के अंदर पका लेना है अगर आपको ऑयल थोड़ा कम लगे तो आप थोड़ा सा और ऐड कर ले नहीं तो यही काफ़ी है इसके अंदर आप लोगों ने प्याज को लाइट ब्राउन होने तक पकाना है अच्छे तरीके से और आप देख सकते हैं कि मैंने इसी तरह से काटे थे और इसके अंदर टमाटर वग़ैरह कुछ नहीं जाता बस प्याज ही जाते हैं तो आपने बस प्याज की क्वांटिटी अपने चिकन के हिसाब से ही रखनी है मैंने यहाँ पर एक किलो चिकन ली थी अगर चिकन ज़्यादा है तो फिर आप लोग प्याज भी ज़्यादा ले लीजिएगा यहाँ पर देखिए हल्के से ये ब्राउन हो चुके हैं अभी इसको जब हल्का से ये ब्राउन हो जाएगा तो इसके अंदर हम लोग ऐड कर लेंगे चिकन को जो कि पहले से मैंने वॉश करके इसको स्टेनर के अंदर रखा हुआ था ताकि उसका जो पानी है वो अच्छे से निकल जाए फिर इसको ऐड करने के बाद इसको भी हम लोग पका लेंगे हल्का सा फ़्राई कर लेंगे चिकन को कुछ लोग पहले लहसुन अदरक डाल देते हैं मैं वैसे चिकन को फ़्राई करने के बाद ही इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करती हूँ ठीक है जी अब इसको अच्छे से पका लेंगे चिकन को इस तरह से और अगर यहाँ तक आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो अपने प्यार से ज़रूर नवाजें मतलब कि लाइक करें शेयर करें और कमेंट करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करें बेल आइकन भी दबा दिया करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस, मेरे व्लॉग्स, मेरी, मेरी रेसिपीज़ आपको टाइम पर मिल सकें ठीक है जी अब यहाँ पर देखें दो अदद दो चम्मच भर कर मैंने डाल दिए हैं लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी हम लोग अच्छे से फ्राई कर लेंगे अब आप देख सकते हैं कि प्याज बिल्कुल ही सॉफ़्ट होकर मिक्स से हो रहे हैं इसी के अंदर और इसको डालने के बाद चंद स्पाइसेस हैं जो इसके अंदर जाएंगे सबसे पहले इसमें जाएगा नमक अच्छा नमक ऑयल के अंदर भी हम लोग ने ऐड किया हुआ था तो फिर इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा तो मैंने यहाँ पर इसमें ऐड किया है नमक एक डेढ़ चम्मच ठीक है जी डालने के बाद इसमें ऐड करेंगे मिर्च सुरख मिर्च अच्छा इसमें दो किस्म की मिर्च जाती है देगी लाल मिर्च क्योंकि ये थोड़ा सा रेड रेड कलर जो है इस सब्जी का होता है इस सालन का होता है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे मैंने मिर्च जो आम हम लोग यूज़ करते हैं वो ऐड की और फिर इसमें मैंने ऐड की है यहाँ पे खुश्क धनिया पाउडर साथ गरम मसाला पाउडर हल्दी ऐड नहीं करनी क्योंकि हल्दी हम लोग पहले से ऐड कर चुके हैं ठीक है जी अब यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे इसमें ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे अब यहाँ पर देखिए चिकन का कलर अभी तक चेंज नहीं हुआ अब इसमें मैं ऐड करूँगी देगी लाल मिर्च जो कि मैं दो चम्मच भर के इसमें ऐड करूँगी उससे बिल्कुल ये इतना आ, स्पाइसी नहीं होगा क्योंकि नमक भी आप लोगों का बराबर ही है इस वजह से आप लोग ये ना समझिएगा कि बहुत स्पाइसी है रेड कलर का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी है तो मिर्च डालने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका अचानक से किस तरह से कलर चेंज हो गया है बस हमें ऐसा ही चाहिए ठीक है जी अच्छा इसको अब यहाँ तक हम लोगों ने पका लिया है अब जबकि बिल्कुल ये सॉफ़्ट हो चुकी है चिकन मीडियम आंच पर ही इसको हमने पकाया है अब इसमें ऐड कर देंगे हम लोग आलू और आलू डालने के बाद थोड़ा सा इसमें डाल देंगे पानी ठीक है ये देखें इसका मैं क्लोजअप दिखा रही हूँ आप लोगों को कि किस तरह से मज़ेदार किस्म की जो हमारी ये सालन है आज का रेडी हो रहा है सिर्फ ये प्याज के अंदर बना हुआ है और आप देखिए कितने मज़े का है ठीक है जी इसको पका लें आलू को डालने के बाद इसको थोड़ा सा फ्राई कर लें और फिर इसमें मैं पानी एक कप डालूँगी और बस इतना ही डालना जिसमें चिकन जो है वो सॉफ़्ट हो जाए आलू जो हैं हाँ वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए पक जाए गल जाए ठीक है तो डालने के बाद इसको आंच को बिल्कुल हम लोग स्लो कर देंगे इसको कवर करके रख देंगे तो फिर पाँच दस मिनट बाद इसको देखेंगे कि हमारी जो चिकन करी है वो रेडी हुई है कि नहीं यहाँ पे एंड पे मैंने इसमें डाल दिया है एक कप दही ये ऑप्शनल है अगर आप लोग डालना चाहें तो डाल लें इससे टेस्ट बहुत मज़ेदार होता है बहुत यमी आपकी जो चिकन करी है वो तैयार होगी तो आप लोग थोड़ी सी डाल ही जगह बेहतर है ठीक है जी डालने के बाद इसको कवर करेंगे और मैं इसका फाइनल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ तो यहाँ पर एंड पर इसको सर्व करने से पहले इसमें हम लोग ऐड कर देंगे सब्ज़ मिर्चें और धनिया जो कि इसकी खूबसूरती को इसके टेस्ट को और दुबला कर देंगी तो बस इसको निकालते हैं ठीक है जी आज की हमारी जो रेसिपी है हो गई है रेडी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मुझे दे इजाज़त अपना रखिए ख्याल खुश रहें दूसरों को भी खुश रखें मैं आपको मिलूंगी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए खुदा हाफिज